मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। क्या कीबोर्ड से या मोबाइल पियानो ऐप से रियाज किया जा सकता है? क्या वो एप्लीकेशंस हमारी वॉइस को सूट करते हैं? और अगर हमारे पास हारमोनियम नहीं है, तानपुरा नहीं है, तो क्या हम उन एप्लीकेशंस पे कीबोर्ड बजा के, मोबाइल पियानो पे और सारे गामा पधा निसा का गा के या बजा के भी अभ्यास कर सकते हैं क्या? या फिर हमारे पास अगर कीबोर्ड है या केशियो कंपनी का जैसे आता है ना, रोलैंड का आता है, इनके जो कीबोर्ड्स होते हैं छोटे बड़े जैसे भी आपके पास है, क्या उनसे रियाज किया जा सकता है या उनसे गायकी सीखी जा सकती है? तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या वो आपके लिए सही हैं या नहीं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। रे तरे रेना वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो नहीं मिला तो मलाल क्या। बशीर बद्र साहब का एक कलाम है, उन्हीं की एक गज़ल का एक मतला मैंने अभी पेश किया है। कंपोजिशन मेरी ही है, जल्द आप सुन पाएंगे इसको अगर मैं अच्छे से कंपोज करके पूरा रिकॉर्ड करके अगर अपलोड करता हूँ तो जल्द आप तक ये पहुँचेगी। तो खैर, वापस आते हैं उसी टॉपिक पर जो कि बहुचर्चित सवाल है। बहुत सारे लोग इस सवाल को कर चुके हैं और एक कन्फ्यूजन रहता है सबके मन में कि क्योंकि जाहिर बात है कि हारमोनियम जैसा थोड़ा महंगा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम अच्छा वाला लें तो वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हम सोचते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल पर तानपुरा भी आता है, तो मोबाइल पर ये पियानो ऐप भी आते हैं और कीबोर्ड तो मिल ही जाता है हमारे पास, है ना। और वेस्टर्न हमको सीखना है, वेस्टर्न म्यूजिक सीखना है, और हमको तो बॉलीवुड स्टाइल सीखना है, तो हारमोनियम की क्या आवश्यकता है, हम अगर कीबोर्ड ही ले लें तो हमारे रिकॉर्डिंग में भी काम आ जाएगा और रियाज भी कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका साउंड जो है बड़ा मैकेनिकल है और हमारी वॉइस को सूट नहीं करता। ये चीज़ मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर पर्टिकुलरली एक वीडियो मैंने सोचा बना लूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। क्या होता है, आप अगर नोट करेंगे, वेस्टर्न म्यूज़िक में और क्लासिकल म्यूज़िक में एक फ़र्क है। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ अबाउट मेलेडी, मेलेडी पर हम लोग गाते हैं और बजाते हैं, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक कॉर्ड्स पर चलता है। कॉर्ड्स यानी 2-3 स्वरों का एक संगम है और उसमें आपको गाना, जैसे कि अगर यही लाइन जो अभी मैंने गाई मेलेडी पे, वो नहीं मिला, अगर मैं इसको, ये एक कॉर्ड लगा हुआ है, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, ये कॉर्ड्स है ना, एक एक सेट ऑफ नोट्स लग रहा है और उस पर मेरे को पूरी लाइन गानी है। लीड नहीं बज रहा है साथ में, एक नोट टू नोट नहीं चल रहा है। तो ऐसा वेस्टर्न म्यूजिक में होता है, वो लोग लीड टू लीड नहीं गाते हैं, बजाते हैं, वो कॉर्ड्स लगाते हैं और कॉर्ड के बेसिस पे वो पूरा गाना, अपना सिंगिंग उनकी प्रधान है, उसमें वो गाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट का अलग रोल है। इंडियन क्लासिकल की बात करें या इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक की बात करें, जिसमें सुगम भी हमारा सारा आ जाता है, गीत, गजल, भजन, ठुमरी, ये सब भी आ जाता है, तो हम नोट टू नोट चलते हैं, है ना। हम हारमोनियम का इस्तेमाल कॉर्ड्स का कम और लीड का ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमें एक एक सुर पूरा चाहिए रहता है। अगर मैंने सा लगाया तो सा पूरा चाहिए, ग पूरा ग चाहिए, मुझे ये नहीं कि मैं सा ग प पे ही मैं सा ध नी रे भी लगा दूं,
ये नहीं हम करते हैं ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर हमारा क्या चाहिए, हमें पूरा नोट चाहिए। तो वो पूरा नोट जो है, वो जो वॉइस जो है, इसका साउंड और हमारे गले का साउंड, वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लोज है। वैसे एग्जैक्टली क्लोज तो और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सारंगी है, वायलिन है, उनका होता है, है ना। पर हारमोनियम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि पूरा पूरा नोट हम दे देते हैं, मेलेडी का रहता है। अब कीबोर्ड का जो साउंड है, बड़ा ही मैकेनिकल साउंड है। अगर आपने देखा हो तो कीबोर्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अकंपनी, है ना, वो सिंगिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ अकंपनी पीछे बजता है, उस पर गाने नहीं बजते हैं, उस पर गाना नहीं चलता है, है ना। वो तो हम लोग क्या है, इंडियन स्टाइल में बजा देते हैं, तो कीबोर्ड पे जन गण मन बजा दिया, ट्विंकल ट्विंकल बजा दिया, तो हम उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वरना कीबोर्ड जो है उस तरह का इंस्ट्रूमेंट है नहीं बेसिकली, जो सिंथेसाइजर जिसको हम कहते हैं, कीबोर्ड भी है, पियानो भी है, सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट हाँ एक ही कैटेगरी में लगभग ये आते हैं। तो मोबाइल पियानो भी जो है वो भी वही है, मैकेनिकल साउंड है। अब आप बोलें कि चलो सिंगिंग का रियाज नहीं कर सकते, पर हम बजाने का तो कर ही सकते, उंगलियाँ तो चल ही रही है, पर एक नेचुरल, एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट बजाने में और मोबाइल पे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, बहुत फ़र्क है। तो वो मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ बजाएं और वहाँ की प्रैक्टिस करके आप यहाँ निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, है ना, वो नहीं करना होता है, वो भी सही नहीं। कीबोर्ड आपकी फिंगर प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है, आप वहाँ पे फिंगर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक क्या रहता है, कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है और हारमोनियम का स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा फ़र्क है। तो वहाँ भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हाथ चलाते हैं, हाथ चलाने का भी फ़र्क आ जाता है कि आप एक हारमोनियम वादक अगर आप कीबोर्ड बजाएगा तो वो फिर एकदम ही बड़ा ही अजीब लगेगा, क्योंकि ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट का बजाने का अंदाज अलग है, स्टाइल अलग है, प्लेइंग स्टाइल अलग है, जैसे कि सिंगिंग स्टाइल अलग होता है। अब कोई क्लासिकल वाला अगर गजल को गाए या भजन गाए तो वो उसी अंदाज में गाने लगेगा, है ना, या कोई भजन गायक क्लासिकल गाने लगे या कोई गजल गायक क्लासिकल गाएगा ना, तो उसमें लाइट अंग आपको दिखेगा उसका, है ना। तो वो ये अंग होता है, जैसा कि मैंने बताया, स्टाइल ऑफ सिंगिंग, स्टाइल ऑफ प्लेइंग, स्टाइल ऑफ डांसिंग। तो वो जो स्टाइल है उसको पता करना जरूरी है, उस अंग को पता करना जरूरी है कि कैसा बजना चाहिए। तो कीबोर्ड पर हम गाने का रियाज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल पियानो पर भी गाने का रियाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड पर फिंगर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, फिर भी एक तरह से मान सकते हैं कि हाँ वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। पर मोबाइल में जो एप्लीकेशन आते हैं वो व्यर्थ हैं, उनका कोई यूज नहीं, वो खेल खिलौने हैं, बच्चों के लिए हैं, टाइम पास के लिए है, तो उनका इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो तानपुरे पर रियाज कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप मोबाइल तानपुरा, जो ध्वनि तानपुरा है, है ना, जो मैंने बताया था आपको एक वीडियो में पिछले, उससे आप रियाज कर सकते हैं, वो एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके जरिए तानपुरे का ओरिजिनल साउंड हमको लगभग मिल जाता है, ठीक है। तो देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल को, और ऐसे ही कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाता रहूंगा, आपके सवालों का जवाब मैं देता रहूंगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर हमारे ओरिजिनल सॉन्ग्स, गज़ल, गीत, भजन सब आ रहे हैं, और वीडियो सॉन्ग्स हैं, ऑडियो सॉन्ग्स हैं, सब अवेलेबल हैं। तो उसको भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हम संगीत स्वयंभू है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का प्रचार कर सकें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।